भोले बाबा पार्क सुधार सेवा समिति 23 जुलाई से कमला नगर ई ब्लॉक के भोले बाबा पार्क में श्रीमद भागवत कथा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। भागवत कथा की भव्य मंगल कलश यात्रा शनिवार की सुबह कथा स्थल से निकलेगी। ये जानकारी आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने दी है। भोले बाबा पार्क सेवा समिति में 23 जुलाई से प्रातः 9 बजे कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जाएगा। कलश यात्रा प्रातः 9 बजे भोले बाबा पार्क से निकलकर और जैन मंदिर होते हुए, हमारे भोले बाबा पार्क में मंदिर है उसकी परिक्रमा करते हुए गंतव्य स्थल तक पहुँचेगी। 108 कलश देवियों के द्वारा सिर में धारण किए हुए बांके बिहारी के विग्रह के साथ, बैंड बाजों के साथ बड़े भव्य शोभा यात्रा की यात्रा 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी। भागवत कथा का आयोजन हो ही रहा है, मेरा भी सौभाग्य है, आपने मुझे शुभ अवसर दिया कथा सुनाने का। तो और कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही परम सौभाग्य होता है, केवल सुनाने वाले का ही नहीं और सुनने वालों का नहीं, दोनों का ही सौभाग्य होता है ये। तो इसी और अपने गुरुजी के और माताजी के आदेश के अनुसार ही मैं धर्म के राह पर चल रहा हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि समिति ने यह निर्णय लिया है कि जनहित में ये एक कथा का आयोजन हो रहा है, जो एक हफ्ते का सप्ताह समारोह है। और मैं सब कुछ भावना देता हूँ और भगवान को का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको ये मौका दिया है ताकि हम जो है इसको आयोजन करें और सारे समाज का कल्याण हो सके और उसका लोग लाभ उठा सके। जो हमारे भोले बाबा पार्क समिति के लोगों द्वारा कराई जा रही है और आचार्य जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो भागवत कथा का आयोजन करेंगे, ये कथा 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक श्रवण की जाएगी ई 375 कमला नगर आगरा के सामने।